हेलो एवरीवन। और आज डोल है नहीं, डोल गई हुई है अपने ब्रदर के पास और मैं फ्री बैठी हुई थी। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने हर बार ये क्वेश्चन किया है कि आप अपनी जर्नी प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो। तो जर्नी एज सच 4-5 साल से मैं सोशल कॉजेज में हूँ, सोशल हेल्प्स में हूँ, लेकिन मुझे कभी ये लगा नहीं कि मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत रेयर किसी की पिक्चर अपलोड करते हैं। तो मैं अपनी वो जर्नी जो मैंने 4 सालों में दूसरों के लिए जी है, वो ज़िंदगी, वो टाइम, वो वक्त जो मैंने अपनी ज़िंदगी में से निकाल के दूसरों को दिया है, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे मीडियोकर बना के भेजा है कि मैं अपने थ्रू किसी की हेल्प कर पाऊँ, और ये काम अकेले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरी पीठ के पीछे मेरे बहुत से सपोर्टर्स ऐसे हैं जो आगे आना नहीं चाहते हैं और बिना अपना नाम दिए मेरी दिन रात हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि COVID-19 के बाद जो हमने हेल्प किया वो इतना पेंडेमिक की सिचुएशन थी, और मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने कोई पिक्चर नहीं लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने हेल्प की है COVID-19 के उसमें ही की है, जिसमें हम लोगों ने सिलेंडर से लेकर के खाना और फाइनेंशियल हेल्प, राशन, सब कुछ हम लोगों ने हेल्प किया। ये वो जर्नी थी जब मेरे अपने रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था, और वो भी सिर्फ मेरे एक डिसीजन के कारण। वो डिसीजन मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। वो मेरा लाइफ चेंजिंग डिसीजन था जब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी अपने बल पे जीऊंगी। जब मैंने अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम लगाना शुरू किया, मुझे ये है कि मुझे सोसाइटी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे मेरी सोल को सेटिस्फाई करना है। दुनिया मेरे वहीं खिलाफ हो गई जब मैंने अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम लगाना स्टार्ट किया। मेरा वो डिसीजन जिसके कारण मेरे अपने भी मुझसे दूर हो गए थे, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी किस दिन फुर्सत में, जब बहुत लंबी स्टोरी है। तो मैं आपको बता रही थी कि वो जो एक अंदर से होता है ना हेल्प करने का, दूसरों की खुशियाँ, दूसरों के सुख दुख बांटने का जो जज्बा होता है वो ब्लड में होता है, और ये जज्बा जो है मुझे मेरे पापा से मिला। पापा अब इस लाइफ, मतलब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सॉरी आई नो अगर पापा कहीं से भी देख रहे होंगे तो वो अब अपनी बेटी पे ज़रूर प्राउड फील करेंगे। कुछ सपने थे पापा को लेके कि जब मैं अपनी फर्स्ट गाड़ी खरीदूंगी तो फ्रंट सीट पे पापा होंगे, लेकिन मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाई। सेकेंड ड्रीम था मेरी लाइफ में, मैं पहली बार कश्मीर गई थी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, और मेरा सपना था कि मैं अपने पापा मम्मी को भी अपने साथ लेके जाऊंगी, तो वो सपना मैं पूरा कर पाऊँ उससे पहले ही पापा जा चुके थे। पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब एक टाइम ऐसा था कि पापा की शॉप मेरा मायका बन गई थी, और मतलब मैं मायके की बजाय पापा की शॉप पे जाके एहसास करती थी कि मेरा मायका है। तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया, और 2017 में जब पापा की डेथ हो गई तब मैं टूट गई थी। मतलब मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी अब यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा रहता है, तो पापा की जो ब्लेसिंग्स थी उन्होंने इतना असर दिखाया कि 2017 के बाद से चीज़ें अपने आप सही होने लगी। मतलब नाम मेरा, मतलब मुझे लोग पहचानने लगे। पहचान काम से हो तो ऑब्वियस है कि आपको भी अच्छा लगता है। तो पापा के जाने के बाद पापा का जब फर्स्ट बर्थडे आता है वो September 4th को आता है, तब मैंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, और वो मेरे अपने जो मुझसे दूर हो गए थे वो मेरे पास आए, और मेरी सिस्टर बड़ी वाली उसने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, शायद उसको याद भी नहीं होगा। उसने मुझसे कहा था कि इंदु तुम कांटों के बीच में रह के भी गुलाब हो गई हो, तुम सच में पापा का बेटा हो। मतलब तब मुझे फील हुआ कि मेरी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो पापा की डेथ की स्टोरी भी बहुत लंबी है, वो मैं आप लोगों से फिर शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ी इमोशनल फील कर रही हूँ, और खुश इसलिए हूँ कि मेरे पापा प्राउड फील कर रहे होंगे कि मैं उनके दिखाए रास्ते पे चल रही हूँ। तो ये मेरी जर्नी है फोटोज़ के थ्रू। मुझे पहचान सच में तब मिलनी शुरू हुई जब मैंने काम किया अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। मैं ये वीडियो भी तभी बना पा रही हूँ कि डॉल मेरे पास नहीं है, एल्स डॉल मुझे रोने नहीं देती है। उसको मतलब शी हेट्स कि अगर मेरी आँख से एक आंसू भी निकले। ज़िंदगी में वही एक बच्ची ऐसी है जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया, जिसने मुझे एहसास कराया कि मेरा भी कोई अपना है जो मुझसे सेल्फलेस
जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करती है, तो वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। और वैसे मतलब ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है कि मैं रोऊंगी, तो बस मुझे पापा की याद आ गई तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैंने काम किया, पापा के दिखाए रास्ते पे चलना स्टार्ट किया, लोगों ने जानना शुरू किया, और अब हिसार का ऑलमोस्ट हिसार के सभी लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, इमोशनल मैं आपको फिर किसी दिन बनाऊंगी। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं वीडियो पर लाइव आके ये सब बातें करूँ, क्योंकि वो सिनेमेटिक शॉर्ट्स और उन सब के थ्रू आप अपनी सच्चाई नहीं दिखा सकते। तो आज इंदु बजाज आपके साथ शेयर करेगी अपनी वो हेल्प्स, वो एक्टिविटीज़ जो मैंने बार बार अपनी लाइफ जी है, जो मैंने बार बार अपनी ज़िंदगी खुशियाँ समेटी हैं दूसरों के दर्द में उनका साथ दे के। और ये अकेले करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन सब के पीछे उन लोगों का हाथ है जो मेरी पीठ के पीछे खड़े हैं, जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशली, मेंटली, जिन्होंने हर वक्त मुझे मोटिवेट किया है। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। अभी ये हाफ पिक्चर्स हैं, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी तो मैं पिक्चर्स अपने साथ हमेशा संभाल के रख पाऊंगी, या कुछ भी कुछ चीज़ें हम नहीं संभाल पाते। और मुझे ऐसा था कि जब हमने किसी की मदद की है तो एक हाथ करनी चाहिए, दूसरे को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो शायद यही सोच थी कि मैंने वो सब चीज़ें कैप्चर की ही नहीं, और की तो मैंने उनको समेटना ज़रूरी नहीं रखा है। तो एनजीओ जो हमने स्टार्ट की, हमने उसका नाम रखा था सुपर वुमेन्स हिसार, और अभी वो एनजीओ रजिस्टर्ड होने के लिए गई है। तो उस एनजीओ का हमने नाम फाइनल किया है ब्लेसिंग्स, जो कि बी मेरे पापा के नाम से स्टार्ट होता है, और दूसरा मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है, उनके फादर का नेम भी बी से स्टार्ट कर होता है, और उनके फादर भी सेम लाइक मेरे पापा की तरह थे, और हम दोनों बहनों की तरह हैं। तो हम दोनों ने वो बी के हिसाब से उन्होंने मुझे नाम सजेस्ट किया, ब्लेसिंग्स हम लोगों ने नाम इसका रखा है, और होपफुली आगे बहुत से और अच्छे काम आप लोगों को करते नजर आएंगे। हाँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ वो पल, वो मोमेंट्स जो मैंने अपनी लाइफ में बार बार जिए। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक बार नहीं, हज़ारों बार जिया है। तो आगे मैं कोशिश करूंगी, मैं कुछ भी ऐसा कॉज करूं तो मैं सामने वाले की जो है वो पिक्चर छुपा के, और फिर मैं आप लोगों के साथ वो पूरी जर्नी शेयर करूं। इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो आज मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आई नो वीडियो की क्वालिटी बहुत पुअर होने वाली है, क्योंकि मैंने उसको पिक्चर्स के साथ एडिट किया, और पिक्चर्स तो आपको पता ही है हमारी आदत होती है कि हम ऐसे लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको मेरे वो पल, मेरी वो ज़िंदगी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो मत कीजिएगा, आई नो पिक्चर सॉरी वीडियो क्वालिटी पुअर है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो ज़िंदगी जी वो अच्छी थी या नहीं थी। थैंक यू। स्टार्टिंग हुई थी सुहा नाम के इस बच्चे से, जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया था, और डॉक्टर्स ने पैसे की कमी के चलते इसे हॉस्पिटल से निकाल दिया था। तो हमने पैसे इकट्ठे करके इसकी मदद की थी। फिर हमने मदद की थी एंजल नाम की इस न्यूबॉर्न बेबी का, जिसके फादर उसकी माँ को और उसको अकेला छोड़ के भाग गए थे। इसका हमने पूरा चेकअप कराया और राशन डलवाया था। फिर मुझे फेसबुक पे मिली ट्विंकल, और उसके साथ मिलके हमने स्टार्ट किया आगे का काम, जैसे कि स्लम एरियाज़ में जाके बच्चों के साथ इवनिंग की ट्यूशन क्लासेस देना फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको पढ़ाना, उनको ड्राइंग सिखाना, उनको खाना खाने का तरीका बताना, बैठने का, पहनने का, ये सब चीज़ें उनको समझाना। उसके बाद मेरा बर्थडे मैंने इन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, खाने का कुछ सामान उनके लिए लेके गए। फिर हमारे ही शहर में किसी लड़की का जो रेप हुआ, हमने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, कैंडल मार्च किया। तो लोग अब हमें धीरे धीरे जानने लगे थे, हमारे पास मदद के लिए कॉल्स भी आने लगी थी। फिर हमें धीरे धीरे अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ, लोगों का नज़रिया बदलने लगा, लोग मतलब प्यार देने लगे, किसी को भी अगर उम्मीद होती मदद की वो हमारे पास आने लगे। फिर हमने स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप्स लगाने स्टार्ट किए, अवेयरनेस कैंप, हम उनको गुड टच बैड टच के हम लोगों ने जो उनको क्लासेस दी। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा के लिए ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है, मैं खुद भी बहुत एक्टिव डोनर हूँ और मैं हर बार ब्लड डोनेट करती रहती हूँ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हमारे पास आया,
इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगी, बड़ा ही पेनफुल केस था। ये फोटोज़ जो आप देख रहे हो एक छोटे बच्चे की थी जिसकी माँ साइको थी और वो अपने बच्चों को पीटती थी। अपने बच्चों को छोड़ के 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने चली जाती थी। पड़ोसियों के कॉल पे हमने लाइव जाके पुलिस के साथ मिलके इस ऑपरेशन को दिया कि हमने उस बच्चे को उसकी माँ से दूर किया। दूर किया इन द सेंस कि वो माँ अपने बच्चे को बैट से पीटती थी तो गली में गिर के, और वो किसी की बात नहीं सुनती थी। तो उस बच्चे को हम लोगों ने रेस्क्यू करके उसके फादर को सौंपा। इस इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशंस मिलने लगी थी, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। फिर हमारी एनजीओ ने भी एक ऐसा ही अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हम लोगों ने जो एक्टिव सोशल हेल्पर्स थे उन लोगों को सम्मानित किया। तो सुपर वुमेन हिसार ने अपना फर्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था। फिर उसके बाद से मुझे और ज़्यादा पहचान मिलने लगी, लाइक हम लोग मीटिंग्स में जाने लगे। फिर हम लोगों ने एक टीम है हमारा प्यार हिसार, उनके साथ मिलकर के हिसार की दीवारों को पेंट करना स्टार्ट किया, लोगों को अवेयर किया कि गंदगी ना फैलाएं। हिसार के हर एक कोने को, जो मेन एरियाज़ थे, मेन चौक थे, उनको हम लोगों ने सब मिल के इस हमारा प्यार हिसार की टीम के साथ और पेंट किया। तो उन कामों को करके जो खुशी मिली ना, वो लाइफ टाइम थी। फिर उसके बाद लोग मुझे जानने लगे, मुझे अवार्ड फंक्शन में बुलाने लगे, स्कूल फंक्शन में भी इन्वाइट करने लगे। हम लोगों ने राखी का फंक्शन जो है वो भी सोल्जर्स के साथ सेलिब्रेट किया। तो अब आप देखो मेरी आगे की जर्नी। ये अवार्ड मुझे चंडीगढ़ में मिला था, मैं चंडीगढ़ गई थी इस अवार्ड को लेने के लिए। नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2018 था। ये डॉल के बर्थडे की पिक्चर्स हैं, डॉल ने खुद बोला था कि मुझे अपना बर्थडे इनके साथ सेलिब्रेट करना है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सुपर वुमेन 2019 अवार्ड। ये हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स की फ़ोटोज़ हैं, और अब आगे जो आप फ़ोटोज़ देख रही हो वो हम लोगों ने देख रहे हो सॉरी वो हम लोगों ने बच्चों को चप्पल्स और ये सब चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट की थी, और बच्चों का जो हमने कैंप लगाया था। ये बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग डेज की पिक्चर्स आप देख रहे हो। इस काम को करने के साथ साथ ट्विंकल और मैं इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम फेसबुक पर मिले हैं। हम लोग बचपन के छड्डी बड़ी फ्रेंड्स जैसे हो गए। मुझे पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ कि छोटी छोटी खुशियां बांटने से वो इतनी बड़ी बड़ी होके वापस आती हैं। अभी ये पिक्चर जो आप देख रहे हो सुपर 30 मूवी की पिक्चर है। ये हम लोग स्लम एरियाज के 30 किड्स को लेकर के गए थे, उनको हमने सुपर 30 मूवी दिखाई थी। अब आगे की जो आप फोटोज़ देख रहे हो, ये एक इंसान है और इनका पाँव कट गया था। ये सड़क पे लगभग 15-20 दिन से रह रहे थे। इनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके हम इनको अनाथ आश्रम में छोड़ के आए। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ये नशे के आदि थे, ये वहाँ पे भी नहीं रुके और फिर ये किसी और अनाथ आश्रम में चले गए। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन वो इंसान खुद ही जीना नहीं चाहते हैं। तो इनकी सच्चाई हमें बाद में पता लगी और अब ये किसी और आश्रम में रह रहे हैं। मे बी कुछ और उन्हें वहाँ मिलता होगा तो वो वहाँ रह रहे हैं। अब नेक्स्ट वाली पिक्चर, इस बच्चे की हम लोगों ने फ़ी जो है वो पूरी हम लोगों ने डिपॉजिट कराई हमारी टीम ने। इनको जो है स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा था एग्ज़ाम्स के लिए। अब जो पिक्चर्स हैं वो कोविड-19 में जो मज़दूरों के लिए राशन और जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो हमने प्रोवाइड कराई, और ये जो पिक्चर है ये डॉक्टर रमेश पूनिया के साथ हमने ब्लैक फंगस की दवाई प्रोवाइड कराई। ये हिसार के मेयर हैं, ये जब कोविड के दौरान हमारी जो एक्टिविटीज़ थी उनकी न्यूज़ कवरेज है। अब जो आप फोटोज़ देख रहे हो ये है फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया था हमने स्लम किड्स के साथ। इनको मैं हिसार के एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गई थी, वहाँ हमने इनके साथ लंच किया था। अब जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये स्लम किड्स जो मजदूर के बच्चे हैं, मजदूरों के, उनके साथ एक स्कूल जो दूसरा स्कूल है उनको हमने इनवाइट किया कि आप दिवाली गिफ्ट्स इनके साथ शेयर कीजिए। तो वो लोग इनके साथ मिलने आए थे, और विंटर्स में जो है हमारी टीम ने इनके लिए ये ट्रैक सूट्स बनवाए ताकि ये सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में आएँ और इनमें से किसी को भी ना लगे कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रैक पैंट्स, ट्रैक सूट्स हमारी जो टीम ने बनवा के डिस्ट्रीब्यूट किए थे।
शुरुआत में बेशक मैं अकेली थी, लेकिन अब धीरे धीरे इतने लोग साथ जुड़ चुके हैं, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार हो गई है कि बहुत से लोगों को हमने उनकी खुशियां वापस लौटाई हैं। अब जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये हैं दिवाली की पिक्चर्स। दिवाली पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि मिठाई और दिए ना पहुंचे, तो हमने झुग्गी झोपड़ी में जाके रिक्शे वालास को ढूंढ ढूंढ के हर किसी को हम लोगों ने जो है दिवाली की जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइक मिठाई, दिए, मोमबत्ती, बिस्किट्स, जो भी हमसे पॉसिबल हो पाया वो हमने अपने घर के आसपास की हर झुग्गी में और हर रिक्शे वाला को, क्योंकि रिक्शे वालों का इन दिनों काम बहुत कम हो गया है, तो हमने हर जगह उनको दी। और मैं बता दूँ ये पिक्चर्स हमने कहीं शेयर नहीं की थी, ये पिक्चर सिर्फ इसलिए से क्लिक की गई थी कि हमारे पास कुछ मेमोरीज रहें ताकि हम इनको देख के मोटिवेट होते रहें, और इनको ये सब करने के बाद जो इन लोगों ने हमें खुशी दी ना, आई कांट टेल यू, जिन्होंने ब्लेसिंग्स हमें दी, वो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगी। तो ये पिक्चर्स आप देख रहे हो वापस से उसी स्कूल की हैं जहाँ पे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम जाके इनको पढ़ाते रहते हैं। ये राहगिरी डे हुआ था हिसार में, ये कुछ पिक्चर्स वहाँ की हैं जिसमें हमारे साथ हमारा प्यार हिसार की टीम भी है। और अभी जो पिक्चर्स आप वापस देखने वाले हो ये वही सुपर 30 जो हम मूवी देखने गए थे, ये पूरे सन सिटी सिनेमा के जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं। और ये देखिए ये सब लोग बहुत खुश हुए थे, और ये थिएटर के अंदर की पिक्चर है। ये हम लोगों ने जल संरक्षण के लिए एक मुहिम चलाई थी दैनिक जागरण के साथ, ये उसकी पिक्चर्स हैं। ये मेरे फ्रेंड की पिक्चर्स हैं जो अपने बर्थडे भी उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये राखी हम लोगों ने सरहद पे पहुंचाई थी, और ये डेंटल कैंप हम लोगों ने लगाया था। ये मीटिंग्स थी एनजीओ की, और ये वापस से एक छोटा सा एप्रिसिएशन हमें मिला था नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड। अब जो पिक्चर आप देखने वाले हो ये एक्सीडेंट केस था, डॉक्टर्स ने इनको बिल्कुल जवाब दिया था क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए हमारी टीम ने पैसे इकट्ठे किए, और आज इनके बेटे जो हैं वो मेरे साथ आज भी टच में हैं और अभी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल अपने पाँव पर चलने लग गए हैं। ये है स्कूल्स के अवेयरनेस कैंप्स की पिक्चर्स, और ये जो अभी मुझे रिसेंटली COVID-19 की सर्विसेज के थ्रू जो अवार्ड मिला वो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बने।